फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। परी भी आ गई है, उसको करना है हाय। परी सी हाय। हाय एवरीवन। सो परी आजकल नर्सरी जा रही है, अच्छे से उसकी नर्सरी खुल गई है और बच्चों को शुरू में थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है छुट्टियों के बाद जाने में, तो थोड़ा सा वो नखरे करती है सुबह उठने में और तैयार होने में, लेकिन फिर भी उसको आज मजा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए मसाला ओट्स, और आप ओट्स का सूप भी कह सकते हैं। तो मैंने उसके लिए सारी तैयारियां कर ली हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर बनने वाली है वेजिटेबल ओट्स, तो बिना ऑयल के बनाऊंगी और सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन चिली, अदरक, थोड़ा सा लहसुन स्पाइसीनेस के लिए, तो अनियन, टोमेटोस, पेपर, कैरेट, कॉर्न और मटर, और एक मैंने थोड़े से ओट्स ले लिए हैं। सो यहाँ पर मेरा हो रहा है वाटर बॉयल, तो इसी में हम सब वेजीज ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर और फिर ओट्स। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ परी के लिए अनन्या के लिए दही आलू की सब्ज़ी, तो इसमें मैंने थोड़ी हल्दी भी डाली है, तो आपको कड़ी जैसा लग रहा होगा लेकिन ये दही आलू की सब्ज़ी है। फटाफट से मैं परी के लिए चपाती बनाऊँगी और मैं अपने लिए ओट्स बना रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बॉईल करने रख दी है, पानी में डाल दी है, थोड़ी सी सब्ज़ी बॉईल हो जाए फिर हम इसमें ओट्स ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स अब ये सब्ज़ी थोड़ी बॉईल हो चुकी है, अब इसमें हम ओट्स ऐड कर देते हैं ताकि ओट्स भी हमारे जो हैं पक पाए साथ ही में। इसमें थोड़ा सॉल्ट और पेपर ऐड कर देंगे। सो हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है ओट्स की, मसाला ओट्स, तो हम इसको इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, मसाला ओट्स खिचड़ी बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसके ऊपर और भी मसाला बनाने के लिए, और भी टेस्टी बनाने के लिए चिली फ्लेक्स या कुछ ऐड कर सकते हैं, जीरा पाउडर और कुछ भी मसाला, लेकिन मेरे को ये बहुत ही सिंपल सी और अच्छी सी खिचड़ी लगती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और हेल्दी भी। साथ ही में मैंने परी के लिए दही आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाया है, उसके लिए भी लंच तैयार है, तो फटाफट बस अब हम लंच करने जा रहे हैं। हाय दोस्तों, सो आज है दूसरा दिन और आज मुझे दो कामों के लिए बाहर जाना था। आज परी का हेयर कट भी कराना है हमें, काफ़ी दिनों के बाद, लगभग उसके मुंडन के बाद हम आज पहली बार उसका हेयर कट कराएंगे, और इसको 2 साल हो गए हैं लगभग। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल। सो ये यहाँ का बड़ा सा हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर चिल्ड्रंस का जो हॉस्पिटल है वो अलग है। तो जो हम हैं सिटी सेंटर जाएंगे बर्मिंघम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पास हम बस स्टॉप पे वेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम अपने बस स्टॉप पर पहुँच गए हैं जहाँ से हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर हम जाएंगे सिटी सेंटर। तो वहाँ पहुँच के वहाँ बहुत ही खूबसूरत ट्रेन स्टेशन है और क्यूई बड़ा हॉस्पिटल भी है, और जो बच्चों का है वो दूर है सिटी सेंटर में, तो हमें वहाँ पर जाना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं और सामने जो आप देखेंगे तो टावर है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी का एक गेट है, ऐसे कई गेट है यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ से यूनिवर्सिटी का बस स्टॉप है और सामने है हमारी खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी। तो बस हस्बैंड जल्दी से आ गए थे और फिर हम अब जाने लगे हैं सिटी सेंटर में। तो जो परी का अपॉइंटमेंट है ब्लड टेस्ट का, जो रूटीन उसे ब्लड टेस्ट कराना था, लेकिन अभी उसमें काफ़ी टाइम था, तो हम आ गए थे परी के हेयर कट के लिए। और यहाँ पर भी हमने परी का हेयर कट जो पहली बार है वो करवाने वाले थे, और हमने उन्हें बताया था कि कैसा हमें हेयर कट चाहिए। और परी, हम डर भी रहे थे कि परी कहीं रोए ना, क्योंकि पहली बार ही वो हेयर कट करा रही थी, लेकिन उसने बहुत ही ब्रेवली बैठी थी और हेयर कट करा रही थी, और उसने कुछ भी ज़्यादा बोला नहीं, और खुश थी वो, बहुत हैप्पी थी। और थोड़े थोड़े मैंने उसके वीडियोस भी बनाए थे हेयर कट के, एंड देखें कितनी खुश है वो। और हम उससे बातें भी करते जा रहे थे, उसको हंसा रहे थे या मोटिवेट कर रहे थे। एंड जो परी के बाल हैं ना, वो काफ़ी अच्छे हैं और कर्ली भी है थोड़े थोड़े। सो हमने डिसाइड किया था कि ज़्यादा नहीं कट करवाएंगे, बस थोड़ा सा
अच्छे से शेप में करवा लेंगे, क्योंकि मुंडन के बाद इसको हमने कभी कटवाए नहीं थे बाल। सो देखें अब परी के हेयर कट हो चुका है और ऐसे इसकी शेप है, और अच्छी सी हाँ उन्होंने हेयर स्टाइल भी बना दी थी, तो परी को बहुत बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड्स फिर हेयर कट कराने के बाद हम दूसरे बस में परी को लेकर फिर हम सिटी जो हॉस्पिटल है बर्मिंघम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल वहाँ चले गए थे। और यहाँ पर चिल्ड्रंस का हर एक जो ट्रीटमेंट है इमरजेंसी से लेकर नॉर्मल जो भी होता है यहाँ पर होता है, तो बच्चों को यहाँ दूर लेके फिर आना पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा हॉस्पिटल है, चिल्ड्रंस के कार्टून वगैरह हर तरफ ड्राइंग्स वगैरह सब बना रहता है। और फिर हम अपने जो वेट कर रहे थे बारी का, और कोविड के चलते एक ही पेरेंट्स को अंदर जाने देते हैं, तो मैं बढ़िया वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे और हस्बैंड परी को लेकर फिर गए थे। जल्दी से परी ने अपना ब्लड सैंपल भी दे दिया था और हम आ गए हैं वापस से बस लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को फिर से अपने ऑफिस जाना था और उनको कुछ काम था ऑफिस में, और हम दोनों फिर घर आ गए थे। हेलो एवरीवन, सो अब है नेक्स्ट डे और परी इंजॉय कर रही है, बहुत खुश है, और उसके लिए पापा उसके पापा ने मंगाई है ये बनी वाली चॉकलेट, तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही है। दिखा दो, अच्छा अच्छे से दिखा दो। सी हाय। एंड दोस्तों मैं कर रही थी खाने की तैयारी, सो आज मैं बना रही हूँ इडली, सूजी की इडली बना रही हूँ, चटनी बनाऊंगी और सांबर। सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने जो सूजी है, सूजी की इडली है वो बनने रख दी है, बस इसको मैं आप कवर कर कर रख दूंगी और ये 15 to 20 मिनट्स में बन जाएंगी। ये है इसका मिक्सचर जो और भी है, अभी मैं थोड़ी देर में और बनाऊंगी। एंड इसमें मैंने इनो का यूज़ किया है एंड साथ ही में मैं बना रही हूँ सांबर। तो यहाँ पर जो मेरी सांभर की दाल है वो मैंने बॉईल करके रख दी है सब्जियों के साथ, सो बस इसमें मुझे अब तड़का लगाना है सांभर में, और सांभर भी रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं सांभर के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ, और मैंने डाल दी है एक मिर्च, अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, और साथ में मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ी सी हींग, और ये मेरी जो हींग है वो पाउडर्ड वाली है तो ज़्यादा लगती है थोड़ी, और अगर आप नॉर्मल जो सॉलिड होती है वो डालें तो कम डालें। और साथ में इसमें जाएगा कड़ी पत्ता और जैसे ही ये सब कुछ अच्छे से क्रैकल हो जाएगा जो इसमें मैं हमने राई डाली है, फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची और प्याज। तो देखें ये तड़का, आई थिंक राई अब अच्छे से हो गई है क्रैकल, तो इसमें मैं ऑनियंस ऐड कर रही हूँ, और सांभर में मैं कोई भी अदरक या लहसुन नहीं डालती हूँ, इसको हम सिंपल ही बनाएंगे। इवन मैं सांभर मसाला भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल हम मसाले डालते हैं उन्हीं से काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है। तो ये अब हमारा देखें तड़का तैयार हो रहा है, बस ये प्याज भुन जाएंगे, फिर हम इसमें अपने जो मसाले हैं धनिया पाउडर वगैरह डालेंगे। सो फ्रेंड्स ये प्याज अब ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर। सो धनिया पाउडर सांभर में थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, इसलिए मैंने लगभग 1.5 चम्मच ऐड कर दिया है, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें की है रेड चिली ऐड, और भी कुछ हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हल्दी हम मैंने सांभर में बॉईल करते समय ऐड कर दी है और नमक भी ऐड कर दिया है तभी। तो फिर बस अब इनको थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी अब जो इमली का पल्प है वो ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने इमली का पल्प ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हल्का सा इसको बॉईल करने के बाद मैं सांभर में ऐड करूँगी। देखें कि तब बढ़िया सा तड़का तैयार हो गया है। एंड इसमें मैंने मेथी दाना ऐड नहीं किया था, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है इतना, तो लेकिन आप मेथी दाना भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बॉईल आ चुका है, अब इसको हम अपने सांभर में ऐड करेंगे। सो फ्रेंड्स जो सारा तड़का था मैंने सांभर में ऐड कर दिया है, और जो मैंने दाल बॉईल करके रखी थी वेजीज के साथ, तो ये अब सांभर बिल्कुल रेडी है। और मुझे लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं वाटर और ऐड कर रही हूँ, एंड
देखें जितनी कंसिस्टेंसी आप पसंद करते हैं उतना वाटर ऐड कर दें। एंड इसको अब हम अच्छे से 10-15 मिनट तक बॉईल करेंगे और फिर हम इसका नमक एडजस्ट कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि नमक सही है कि नहीं और नमक एडजस्ट कर देंगे। सो हमारा यम्मी सा सांभर रेडी हो जाएगा। एंड देखें दोस्तों इडली भी लगभग बॉय जो स्टीम हो चुकी है, देखें कितनी स्टीमी अच्छी सी इडली बनकर रेडी हो गई है। बस मैं इनको अभी फटाफट से निकाल लूंगी एंड बस अब मुझे चटनी बनाना है जल्दी से। सो फ्रेंड्स जो टोमेटो और अनियन की चटनी मैंने बनाई है वो भी एकदम रेडी हो गई है। मैंने उसमें लगा दिया है तड़का करी पत्ता और राई सबका, और इडली भी एकदम बनकर रेडी हो गई है। मैं इसे बस सर्व करने जा रही हूँ आप सब चीज़ों को एंड सांभर भी रेडी है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लंच इडली सांभर और चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ है टेस्टी हो चुकी इडली, यहाँ है सांभर और ये है चटनी। आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और भी वीडियोस को देखते रहें एंड सबका ख्याल रखें एंड गिव योरसेल्फ अ बिग हग। टिल देन बाय बाय परी से बाय 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 फ्रेंड्स बाय बाय फ्रेंड्स। This is